नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक एजुकेशन तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे इस कंपनी ने अपना हाई बनाया एक सौ का और वहां से यह कंपनी गिरते हुए अस्सी रुपये के भी नीचे आ चुका है अगर इस कंपनी के फिफ्टी वीक लो की बात करें तो दो पैसे का इस कंपनी ने अपना लो बनाया था और वहाँ से यह कंपनी चलते हुए एक तक गया था तो ऐसे में इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा बनता है कंपनी टेक्निकल व्यू कैसा है कंपनी के ग्रोथ के पीछे का जो डिटेल है सब कुछ और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं उसके बाद इस कंपनी के टेक्निकल व्यू को देख देख देखेंगे आप देखेंगे इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो टू पॉइंट सेवन जीरो करोड़ का है वहीं अगर इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो जीरो पॉइंट वन फाइव करोड़ का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा यानी कि जितना डेप्ट है उससे काफी कम इस कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग को हम देखें तो ट्वेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वन पॉइंट नाइन जीरो करोड़ का डिटेल आपको देखने को मिलेगा जबकि इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री बिल्कुल भी खत्म हो चुका है यानी कि अगर इस कंपनी के एक कैटेगरी की बात करें तो यह कंपनी एवरेज टू बीलो कैटेगरी में जाकर शामिल होता है अगर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे 2015 से लेकर 2022 तक इस कंपनी में कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला था और उसके बाद सडन इस कंपनी में एक बहुत बड़ी जंप आपको देखने को मिला दो में और उसके बाद यह कंपनी लगातार गिरता चला जा रहा है तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करना ठीक था जिन लोगों ने इस कंपनी को टॉप पे बाई किया मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे कंपनी को आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खींच नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं उसके बाद ये शेयर्स बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज या फिर उस कंपनी से रिलेटेड थोड़े से अपनी स्टडी कर लेनी चाहिए दोस्तों अगर इस कंपनी के भागने के पीछे के रीजन की बात करें तो पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम आपको देखने को मिल जाएगा आप देखेंगे जब जब यह कंपनी भागा और वहां से गिरना स्टार्ट किया तब तक ऑपरेटर ने इस कंपनी को संभाला है तो क्या इस बार भी संभालेंगे मेरे ख्याल से तो अभी तो नहीं लगता क्योंकि इससे पहले जब यह कंपनी गिरा है तो साठ के आर एस आई बासठ के आर एस आई के पहले यह कंपनी संभाल कर अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों अगर इस कंपनी के पहले सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे जब भी इस कंपनी का 60 के पास में पहुंचता था तब यह कंपनी अगेन बाउंस बैक कर देता था लेकिन इस बार पचास के आर एस आई के पास में देखने को मिलेगा लेकिन अगर यह कंपनी इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो तीस के आर एस आई के पास में अगला सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा तो जिन लोगों ने इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इंटर कर रखा था वो चाहे तो निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं जैसे उन्हें निकलने का मौका मिले वो इस कंपनी से निकल सकते हैं क्योंकि यह कंपनी अगर छाछ रुपए पे अपना सपोर्ट नहीं लिया तो उसके बाद यह कंपनी चालीस रुपए तक जाने की कोशिश करेगा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो